नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनसनी ऑफ इंडिया के नए एपिसोड में। आज आपको दिखाने जा रहा हूँ अंधविश्वास की एक ऐसी घटना जिसे देखकर शायद आप अंधविश्वास करना छोड़ देंगे। आज का मनुष्य लालच और स्वार्थ में इतना अंधा हो गया है कि उसके सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई है। यही कारण है कि ऐसी हालातों का फायदा उठाते हैं कई ढोंगी तांत्रिक बाबा। तांत्रिक लोगों का आर्थिक और मानसिक शोषण ही नहीं कर रहे, बल्कि बेखौफ होकर रिश्तों को शर्मसार करने वाली हरकतों को भी अंजाम देने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। हमारे देश में लोग तंत्र मंत्र के जाल में इस कदर उलझे हुए हैं कि जब भी किसी को गंभीर बीमारी, घर में पैसों की कमी, तरक्की के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आता तो लोग बाबा, मुल्ला, मौलवी, तांत्रिक की शरण में चले जाते हैं। वो तरह तरह के तमाम टोने टोटके करने की सलाह देते हैं। इत्तेफाक से जब वो कामयाब हो जाते हैं तो टोना करने वाला इंसान पीड़ित के लिए भगवान से कम नहीं होता। आज हर देश के कोने कोने में अंधविश्वास का जाल पेड़ की टहनी की तरह बढ़ता है। और एक बार फिर तांत्रिकों के ठग का मामला सामने आया है। जी हाँ, राजेंद्र नगर के पौष इलाके में तंत्र मंत्र का जाल फैलाकर ठगी करने वाले ऐसे तीन युवक सुरेश, रोहित और करण तीनों तांत्रिक के भेष में रहते थे। दरअसल तीनों ढोंगी विज्ञापन के जरिए अपना तंत्र मंत्र और टोने टोटके का धंधा चलाते थे और फिर विज्ञापन देखकर जैसे ही कोई उन्हें फोन करता है तो वो उसके घर जाते और उसे इस कदर डराते हैं कि बाद में वो जैसा भी कहते हैं वो परिवार वैसा ही करने को राजी हो जाता है। डर को बरकरार रखने के लिए तांत्रिक दिखावे के लिए पूजा और हवन करने का ढोंग भी रचते और पूजा और हवन के नाम पर लाखों रुपए की मांग करते और देने के लिए लोगों के पास नकदी ना होने पर खेत और मकान तक दिलवा देते। इतना ही नहीं, पूजा के लिए जेवर जरूरी बताकर 30-35 तोले जेवर मंगवाते। ये तीनों लोगों के अंदर इस कदर डर पैदा कर देते कि लोग अपने रिश्तेदारों से तक पैसे या जेवर मांग कर ले आते। ठगों ने लोगों का विश्वास जीतने के लिए उन्हें घर के सारे जेवर लाने को कहकर ये लालच देते थे कि जितने भी जेवर लाओगे वो पूजा पाठ करने के दूसरे दिन डबल होकर मिलेगा, लेकिन बदले में सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता था। आपको बता दें कि इन तीनों ने बेहद प्लानिंग के साथ लोगों को जाल में फंसाया। दरअसल रायपुर की पौष कॉलोनी में पहले तो इन्होंने मकान किराए पर लिया और इसके बाद 8 महीने तक तंत्र के नाम पर लोगों को फंसाते रहे। ये तीनों ढोंगी किसी को 1 महीने के बाद समस्या दूर होने का वादा करते तो कभी किसी का 2 महीने में, और इतना ही नहीं उनकी मियाद पूरी होने के पहले ही पूरा सामान समेटकर वहां से वो फरार हो जाते। उस दलदल की तरह होता है जिसमें से जितना निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही धंसते चले जाते हैं। तांत्रिकों ने मकान के ऊपरी कमरे में हवन कुंड बनाया हुआ था, वहीं कमरे के अंदर जगह जगह पूजा पाठ का सामान भी फैला रखा था। हवन कुंड कमरे के बीचों बीच बना हुआ था। पूजा के दौरान भी ये मंत्रों का उच्चारण इस तरह करते थे कि लोगों की आस्था तांत्रिकों के ऊपर और बढ़ जाती और वो इन ढोंगियों पर आंख बंद कर भरोसा कर लेते और लोगों को इन पर आसानी से भरोसा हो जाता। और इसी धोखे का शिकार हुआ धमतरी का रहने वाला एक परिवार। जी हाँ, धमतरी का कारोबारी पी कुमार अपने परिवार के साथ रहते थे। दरअसल कुमार की पत्नी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। डॉक्टरों के इलाज का कोई असर नहीं हो पा रहा था और तभी कुमार की नजर एक विज्ञापन पर पड़ी। कुमार को लगा शायद इसमें से उनकी परेशानियों का समाधान निकल जाएगा। कुमार की पत्नी की तबीयत बहुत खराब रहती थी। कुमार ने अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर तंत्र मंत्र का सहारा लिया और कुछ तांत्रिकों को अपने घर पे बुलाया। तांत्रिकों ने उसकी पत्नी की तबीयत को ठीक करने के बहाने दिया बड़ी खौफनाक वारदात को अंजाम। दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया, हर रोज रात 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रिपीट, सिर्फ जेके चैनल पर। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख, संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। जिंदगी के सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना, और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा, साथी फॉर यू.com। तो साथी फॉर यू .com पर आए, जिंदगी महक जाए। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र ₹2 में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश, देखें हर रोज रात 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रिपीट सिर्फ JK चैनल पर। विज्ञापन देखकर विज्ञापन पर दिए हुए नंबर पर कुमार ने कॉल किया। फोन उन्हीं में से एक जालसाज ने उठाया। कुमार ने फोन पर अपनी सारी परेशानियों का जिक्र किया, जिसके बाद कुमार के घर का पता पूछा गया। पता बताने पर अगले दिन ही तीनों बाबाओं की वेशभूषा में तैयार होकर कुमार के घर पहुंच गए। घर को देखते ही उन्होंने सबको डराना शुरू कर दिया। सर्वनाश का डर दिखाकर पूजा पाठ करने का सुझाव दिया और इस पूजा पाठ के लिए 30,000 रुपए तक का खर्चा बताया और अपने बताए हुए पते पर बुलाया। कारोबारी कुमार पैसे लेकर ठिकाने पर पहुंचा, जहां एक बंद कमरे पर पूजा हवन कराई गई। हवन हो जाने के बाद कुमार को घर भेज दिया। ये ठगी का काम यहीं खत्म नहीं हुआ। 3 दिन बाद फोन करके तीनों ढोंगी यानी रोहित, सुरेश और करण कुमार के घर पहुंच गए। कुमार की पत्नी की तबीयत खराब थी, इसलिए कुमार की पत्नी को ठीक करने के लिए एक बड़ी पूजा पाठ करवाने की बात कही। घर में कुल देवी का प्रकोप है, पूजा करके उन्हें शांत कराना होगा। ये कहकर तीनों ने परिवार को पूरी तरह से डरा दिया और अपने ऊपर विश्वास करने को मजबूर कर दिया। तीनों बाबाओं ने पूजा पाठ का खर्चा 1 लाख रुपए बताया और इतना ही नहीं, पूजा में 40 तोला सोना लाने को कहा, लेकिन कुमार के पास इतनी रकम नहीं थी। उसने तांत्रिकों को इस बारे में बताया। तो उन तीनों तांत्रिकों ने कारोबारी कुमार को अपने खेत बेचने तक के लिए कह दिया और तांत्रिकों के कहने पर कुमार ने खेत 3 लाख रुपए में बेच दिया और अपने सभी रिश्तेदारों से 35 तोला सोना इकट्ठा कर लिया और तांत्रिक के घर बजाज कॉलोनी जा पहुंचा, जहां पर 5 दिनों की पूजा रखी गई थी। कुमार अपनी पत्नी की बीमारी से परेशान था। वो उसे किसी भी हालत में ठीक करना चाहता था और इन्हीं सब कारणों की वजह से कुमार अंधविश्वास के जाल में फंसता ही जा रहा था। उसे उस वक्त ना ही कुछ समझ आ रहा था और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। 4 से 5 दिन तक की पूजा पाठ बताकर कुमार से भारी रकम की मांग की गई। हवन भी कुमार को बैठाकर की गई। जो कि रकम और सोना कुमार लेकर आया था वो सारा कुछ एक पेटी में डालने को कहा गया और कुमार ने वैसा ही किया। समस्याएं सभी के जीवनों में आती हैं। कुछ लोग समस्याओं से लड़कर जीत जाते हैं और कुछ लोग लेते हैं अंधविश्वास का सहारा। कुमार ने भी अपनी समस्या से निपटने के लिए लिया था अंधविश्वास का सहारा। कुमार की अपनी समस्या तो दूर नहीं हुई, लेकिन अंधविश्वास की आड़ में कुमार के साथ हुई एक बड़ी भयानक वारदात। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया, हर रोज रात 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे सिर्फ जेके चैनल पर। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख, संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। जिंदगी के सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना, और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा sathi4u.com। जो sathi4u.com पर आए जिंदगी महक जाए। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश, हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रिपीट सिर्फ JK चैनल पर। ब्रेक के बाद सनसनी ऑफ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। कुमार की पत्नी को ठीक करने के बहाने उन तांत्रिकों ने कुमार के घर में 4-5 दिन तक हवन किया। कुमार की पत्नी तो ठीक नहीं हुई, लेकिन उस हवन की आड़ में वो तांत्रिक कुमार के घर से ले भागे सारा कीमती सामान। पूजा पाठ खत्म होने के आखिरी दिन में तांत्रिकों को जाने से पहले चाय पीने को दी गई। और फिर उसी दौरान परिवार वालों की आंख लग गई। जाते जाते तीनों तांत्रिक कुमार को एक पेटी पकड़ा गई और उससे कहा कि इसे अगले दिन खोलकर देखें। अगले ही दिन जैसे ही पेटी खोली तो घर के हर एक सदस्य के होश उड़ गए। पेटी के अंदर कुछ नहीं, पेटी के अंदर और कुछ नहीं बल्कि कंकड़ और पत्थर ही थे। ये देखते ही कुमार की पत्नी बेहोश हो गई। और उनकी बहन को इतना गहरा सदमा लगा कि वो कोमा में चली गई। कुमार के लिए ये एक बड़ा झटका था। उसने तो ये कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा होगा। इतनी बड़ी बर्बादी से पूरा परिवार सन्न रह गया। कुमार के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। कहाँ से वो उधार लिया हुआ सोना लौट आएगा। उसने जैसे तैसे पुलिस को इस बात की सूचना दी और शिकायत दर्ज कराई। हालांकि पुलिस काफी समय से इन ढोंगियों की तलाश में थी, लेकिन इनका पकड़ा जाना आसान नहीं हो पा रहा था। जबकि इससे पहले भी कई बार इन ढोंगियों के खिलाफ कई शिकायत दर्ज की गई थी। वहीं दूसरी ओर इस मामले में पुलिस अफसरों का कहना है कि अभी तक केवल 3 लोग ही इसमें सामने आए हैं। आशंका जताई जा रही है कि अभी और भी लोग सामने आ सकते हैं। मकान मालिक का भी कहना है कि उन ठगों के दरबार में रोज कई लोग आते थे। खैर, इनका भांडाफोड़ होने से ये भी माना जा रहा है कि शायद और भी पीड़ित सामने आएंगे। पुलिस आसपास के शहरों में भी उनके बारे में छानबीन कर रही है। क्राइम ब्रांच को जांच के लिए मामला सौंप दिया गया है। ये वाकई एक हैरान कर देने वाली बात है कि आज भी इस मॉडर्न सोसाइटी में भी इन बातों पर ध्यान दिया जाता है। तंत्र मंत्र में लोगों का विश्वास इतना गहरा हो चुका है कि वो अपने दम पर नहीं बल्कि तंत्र मंत्र और ढोंगियों के ढकोसलों के भरोसे ही आगे बढ़ना चाहते हैं। जरूरत है कि आप अपने दम पर कामयाबी या समस्या का समाधान ढूंढ निकालें, ना कि किसी फरेब का शिकार हों। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया, हर रोज रात 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रिपीट सिर्फ JK चैनल पर। कड़ी नजर। खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। जिंदगी सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना, और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा, sathi4u.com। जो sathi4u.com पर आए, जिंदगी महक जाए। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रिपीट, सिर्फ JK चैनल पर। दोस्तों, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साधु बाबा, इन सभी पर कभी भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें। अपनी समझ से काम लें, अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़ें। कुमार अगर अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़ता और अपनी पत्नी का इलाज किसी अच्छे अस्पताल में कराता तो उसके साथ आज ये वारदात नहीं होती। मैं विजय कुमार दिवाकर अब आपसे लेता हूँ विदा। कल मैं फिर मिलूँगा इसी चैनल पर इसी समय एक नई वारदात के साथ। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आपके आसपास हो रही कोई वारदात या अगर आपको किसी घटना की जानकारी, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9213130221 या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9650854621 पर दे सकते हैं। कल देखिए रात 10:30 बजे। जिस पिता ने उसे अपनी पलकों पर बिठाया, जिसने उसकी हर जिद की पूरी, आखिर क्यों? उस बेटे ने दी अपने ही पिता को जान से मारने की सुपारी।